नमस्कार, मैं आशुति वोरा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज मध्य प्रदेश। हाल ही में एक ट्वीट किया गया जिसके बाद कांग्रेस को अपनी सफाई देनी पड़ी। ये ट्वीट शिवराज सिंह चौहान के लिए किया गया था, जिस पर शिवराज के बेटे कार्तिके भड़क गए। इसके बाद कांग्रेस ने इसे अपनी सफाई पे पेश किया। आजकल चुनावी वॉर में सोशल मीडिया बड़ा हथियार साबित होता है, लेकिन कभी कभी यह हथियार खुद के लिए ही घातक हो जाता है। दरअसल विद कांग्रेस अकाउंट से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा था मामा का श्राद्ध। इस ट्वीट ने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का श्राद्ध ही कर दिया। इस ट्वीट के बाद शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान भड़क उठे। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कार्तिकेय ने अपने ट्वीट में लिखा, समझ नहीं आ रहा कि आप पर दया करूं या गुस्सा। गुस्से में तो हूँ, आखिर मेरे जीवित पिता के श्राद्ध की बात आप कर रहे हैं। मुझे तरस भी आप लोगों पर आता है कि कितना नीचे कांग्रेसी आज गिर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इसके लिए ईश्वर आपको माफ करेगा? चुनाव तो 4 दिन के हैं, ऐसी घटिया हरकत के बाद क्या आप लोग अपने बच्चों से आंख मिला पाएंगे? उधर कांग्रेस ने कार्तिकेय के ट्वीट के बाद अपनी सफाई पेश की और कहा कि ये ट्वीट कांग्रेस ने नहीं किया, पीसीसी चीफ के मीडिया समन्वयक पीयूष बबेले ने ट्वीट कर लिखा। कार्तिकेय जी, आपके पिताजी को ईश्वर दीर्घायु दे, ये ट्वीट कांग्रेस ने नहीं किया है, बीजेपी में आपके पापा के दुश्मनों ने किया है। कांग्रेस का विरोध शिवराज जी की जन विरोधी नीतियों से है, व्यक्तियों से नहीं। चुनावी मौसम में एक दूसरे पर कटाक्ष करना आम बात है, लेकिन इस तरह किसी जीवित व्यक्ति का श्राद्ध ही कर देना कहां तक सही है? आपके इस मामले पर क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।